गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अजय कुमार। आज मैं आपको आयत के बारे में बताऊंगा। कल जो पढ़ाया था उसके आगे से। कल मैंने पढ़ाया था आयत के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है टू लंबाई धन चौड़ाई। इसके बराबर हम एल इंटू बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बराबर टू एल प्लस बी, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसे बोलते हैं। अब इसके आगे थोड़ा देखते हैं, कल हम इतना पढ़ाए थे तो आज इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे होता गया इसमें आयत में, जैसे हम लोग कोई रास्ता बनाते हैं, ठीक है। कोई रास्ता मतलब एक खेत है या फिर उसके उसके बीच से रास्ता निकल गया, ठीक है। तो अब उसको उस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, तो उसे देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक आयताकार खेत है, ठीक है, इसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर, इसी के बीच से मान लीजिए रास्ता निकल गया 1 मीटर का, 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकल गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 1 मीटर, ठीक है, ये दूरी 1 मीटर है, और यहाँ से मतलब 1 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है, पूरी रास्ते की लंबाई 5 मीटर है और रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर है, ठीक है। तो अब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, यह है ना आयत का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पे जब एक ही साइड से रास्ता है ना, एक ही साइड से, ठीक है, मतलब लंबाई की तरफ से है, चौड़ाई की तरफ से थोड़ी नहीं है, केवल लंबाई की तरफ से, ठीक है, लंबाई की ही तरफ रास्ता है, यहाँ से देखिए ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ लंबाई कितना है, 5 मीटर, और चौड़ाई कितना है, 1 मीटर गुणे 1 बराबर 5 वर्ग मीटर, ठीक है। इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 5 वर्ग मीटर, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए दूसरा रास्ता दे दिया गया, एक रास्ते की लंबाई, एक रास्ते की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है, तो रास्ते का उस आयताकार खेत के भी रास्ते में तीन मीटर का चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई के
लंबाई के बराबर लंबाई की तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा हमारा, मतलब 7 मीटर आयताकार खेत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है, और इसी रास्ते में 3 मीटर तीन मीटर चौड़ा रास्ता है, इसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर है। इस रास्ते की चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसी तरह ठीक ऊपर वाले रास्ते के ऊपर ऊपर वाले क्षेत्रफल की तरह इसे भी ज्ञात करेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल लिखेंगे सूत्र, लंबाई कितने हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 10, और चौड़ाई कितना है? 3, मतलब तो मीटर में है, मीटर स्क्वायर बराबर 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। रेचर कहाँ चला गया आज? थैंक यू।